जनसुराज प्रजातिवाद की राजनीति करने के आरोप पर प्रशांत किशोर का जवाब, बोले हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं, उनको समाज की संख्या के हिसाब से भागीदारी देना जातिवाद की राजनीति नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज पर लग रहे जातिगत राजनीति करने के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जनसुराज की मूल भावना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम पंचायत से लेकर राज्य स्तर के संगठन में ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज के सभी वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व मिले, और साथ ही सबकी सहमति से ये भी निर्णय हुआ है कि जो समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है उसे सबसे पहले मौका मिले। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी राजद और उसके नेता तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल जातिगत समीकरण के आधार पर अब तक चल रही है। वो केवल मुस्लिम समाज को बीजेपी के नाम से डराकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए हुए हैं, लेकिन अब बिहार की जनता के पास जनसुराज के रूप में एक बेहतर विकल्प मौजूद है, जिससे कि राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा समेत सभी दलों के जातिगत समीकरणों को बिहार की जनता अगले चुनाव में ध्वस्त कर देगी, जिसका ट्रेलर आपने अभी हाल ही में सम्पन्न हुए रुपौली विधानसभा चुनाव में देखा। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा, तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है, देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं, आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए। क्या मोदी जी भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार है। वहाँ जाति को धर्म से रिप्लेस किया गया। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे, आपने कहा सिर्फ जाति है, अब खुद कह रहे नहीं वहाँ जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है, 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है, क्यों देता है आप कहिएगा, भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो घोर उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उससे जो सहानुभूति की लहर बनी उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा, इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, आप बताएं बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा, तो आपने आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया और जो भी जनता दल से खड़ा हुआ उसको टिकट मिला, इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ,